दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर स्थित एक छोटे लेकिन अति विकसित देश बेल्जियम के बारे में। लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला बेल्जियम दुनिया का 140वां और एशिया का 34वां बड़ा देश है। दोस्तों आकार में यह अपने केरल स्टेट से भी छोटा है। 10 राज्यों में बटे बेल्जियम के उत्तर में नीदरलैंड, दक्षिण में फ्रांस, पूर्व में जर्मनी और लक्जमबर्ग तथा पश्चिम की 60 किलोमीटर की सीमा उत्तरी सागर से जुड़ती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां दुनिया के दो सबसे ताकतवर संगठनों नाटो और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय भी है। इसके साथ साथ ब्रुग, गेंट, एंटवर्प और लोवेन यहां के कुछ बड़े शहर हैं। दोस्तों बेल्जियम की पॉपुलेशन लगभग 1,16,00,000 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 75वां और यूरोप का 11वां बड़ा देश है। दोस्तों बेल्जियम का मुख्य धर्म ईसाई है, जो यहाँ के लगभग 60% लोगों द्वारा माना जाता है। इसके साथ ही लगभग 6% मुस्लिम और 4% में अन्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। बाकी बचे 30% लोग पूरी तरह से नास्तिक हैं, यानी वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। यहाँ अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक ठंड और जून से लेकर अगस्त तक हल्की गर्मी का मौसम रहता है। बाकी मई और सितंबर में सर्दी गर्मी का मिक्स मौसम रहता है, यानी दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की सर्दी। दोस्तों बेल्जियम का टाइम भारतीय समय से पूरे 4.5 घंटे पीछे है, यानी अगर भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे तो बेल्जियम में उस समय सुबह के 7:30 होंगे। यहाँ का कॉलिंग कोड +32 और इंटरनेट डोमेन .be है और लोग यहाँ दाहिनी यानी राइट साइड गाड़ियाँ चलाते हैं। और हाँ, यहाँ 18 साल से कम और 4.5 फीट से छोटे बच्चों को ड्राइविंग सीट तो छोड़ो, कार की अगली सीट पर बैठने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बागी फैक्ट्स। दोस्तों ब्रुसेल्स पैलेस दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत महलों में से एक है। लगभग 3,55,000 वर्ग फीट में फैले इस महल में 350 कमरे, 40 से ज्यादा हॉल, 16 आंगन और एंट्री के लिए कुल 22 गेट हैं। उस समय के लगभग 3,000 करोड़ की लागत से बना यह महल सन 1783 में बनना शुरू हुआ और 150 सालों में सन 1934 में बनकर तैयार हुआ। इसकी विशालता और भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह ब्रिटिश महारानी के निवास और विश्व प्रसिद्ध बकिंगम पैलेस से भी दुगना बड़ा है। इसकी भव्यता, सुंदरता और अनोखेपन के कारण ही यूनेस्को ने सन 1998 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जुआ खेलना आपके पॉकेट और आपके परिवार दोनों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी दुनिया के ज्यादातर देशों में जुआ खाना यानी कैसीनो पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि इन कैसीनो से सरकारें उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर वसूल करती हैं। ऐसे ही दुनिया का पहला कैसीनो कैसीनो द इस्पा के नाम से बेल्जियम में सन 1763 में खोला गया, जो पिछले 250 सालों से लगातार फल फूल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि भारत में केवल 3 राज्यों गोवा, सिक्किम तथा दमन और दीप में ही कैसीनो लीगल है, बाकी पूरे देश में कैसीनो पूरी तरह से इनलीगल है। दोस्तों आजकल हर बड़ी छोटी कंपनियों में कर्मचारियों की एंट्री और एग्जिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक आई कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनके आने जाने के टाइम डेटा को कलेक्ट किया जा सके। कंपनीज के लिए वरदान और कर्मचारियों के लिए जी का जंजाल या इलेक्ट्रॉनिक आई कार्ड का सर्वप्रथम इस्तेमाल बेल्जियम द्वारा अपने एक सरकारी ऑफिस में किया गया। बेल्जियम से चलता हुआ यह इलेक्ट्रॉनिक आई कार्ड आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है। दोस्तों लंबा या छोटा होना किसी के अपने हाथ में नहीं होता। जहां लंबे लोग अपनी लंबाई को अपनी पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं, वहीं कम लंबे लोगों का भी कॉन्फिडेंस किसी से कम नहीं होता है। दोस्तों बेल्जियम के लोग नीदरलैंड के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा लंबे लोग होते हैं। यहां की महिलाओं की औसत लंबाई 5'8" और पुरुषों की 5'11" तक होती है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि भारतीय महिलाओं की औसत लंबाई 5'2" और पुरुषों की 5'6" तक होती है। दोस्तों चॉकलेट का नाम सुनकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के मुंह में पानी आ जाता है। अपने लाजवाब और यूनिक टेस्ट के कारण ही आज चॉकलेट दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। दोस्तों बेल्जियम में स्थित बेल्जियन चॉकलेट कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट बनाने की कंपनी है। यह कंपनी हर साल लगभग 600,000 टन चॉकलेट का प्रोडक्शन करती है। 1,000 से भी ज्यादा फ्लेवर में चॉकलेट का प्रोडक्शन करने वाली इस कंपनी के चॉकलेट की मांग दुनिया के कोने कोने तक है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि चॉकलेट कोकोआ नाम के पेड़ के बीजों से बनाया जाता है, जिसकी खोज आज से लगभग 3,000 साल पहले अमेरिका के वर्षावनों में हुई। वैसे आपके पार्टनर की पसंदीदा चॉकलेट कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अपने देश में शादी को जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता माना जाता है। एक दूसरे से लाख परेशानियां या फिर लड़ाइयां क्यों ना हो, हम भारतीय अंत तक अपने शादीशुदा रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं अपने आप को सो कॉल्ड विकसित कहने वाले ज्यादातर पाश्चात्य देश रिश्ते निभाने में बेहद कच्चे हैं। ये लोग रिश्तों में ना एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ना ही एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हैं।
यही कारण है कि जहां अपने यहां चट मंगनी और पट ब्याह वाली कहावत मशहूर है, वहीं इन देशों के लिए चट शादी और पट डाइवोर्स वाली कहावत होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, बेल्जियम के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवोर्स लेने वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर है। यहां हर 3 शादीशुदा जोड़ों में से 2 का डाइवोर्स हो जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां हर साल 45,000 शादियां होती हैं और हर साल लगभग 35,000 तलाक होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोस्तों किसी देश के निर्माण में जितना योगदान पुरुषों का होता है उतना ही महिलाओं का भी होता है। फिर भी कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग महिलाओं की क्षमता को केवल घर की 4 दीवारी के भीतर ही सीमित करके देखते हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि बेल्जियम अपने देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि पुरुषों से ज्यादा प्रगति के अवसर देती है। यहां सरकारी से लेकर प्राइवेट और बिजनेस से लेकर बाजार, सभी जगहों पर महिलाएं अपने हुनर का जलवा बिखेर रही हैं। दोस्तों बेल्जियम में वुमेन एम्पावरमेंट का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि यहां की पार्लियामेंट यानी संसद में कुल सदस्यों में 55% महिलाएं हैं, जो भारत में मात्र 14% हैं। दोस्तों किसी भी पाश्चात्य देश की नागरिकता हासिल करना अपने आप में बेहद जटिल और लंबी प्रक्रिया है। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में गैर कानूनी तौर पर इंटर करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बेल्जियम में आपको तारों के नीचे से या फिर गैर कानूनी तरीके से जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो बेल्जियम पधारो हमारे देश का बोर्ड लेकर आपका स्वागत करेगा। जी हाँ दोस्तों, बेल्जियम दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी नागरिकता बेचने वाले देशों में शामिल है। यहाँ मात्र 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके दुनिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकता है, जो दुनिया के किसी भी विकसित देश की नागरिकता हासिल करने की सबसे आसान प्रक्रिया है। दोस्तों क्या भारत को भी पैसे के बदले अपनी नागरिकता को बेचना शुरू कर देना चाहिए, या फिर जितने हैं उतने ही समझ जाए, यही बहुत है। दोस्तों किसी भी देश को सभ्य और विकसित बनाने के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही कारण है कि जिन देशों ने शुरुआत से ही शिक्षा को विकास का एक जरूरी हिस्सा माना, वो देश आज विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हैं। ऐसे बेल्जियम ने अपनी एजुकेशन नीतियों पर खास फोकस करते हुए सन 1958 में कानून बनाया, जिसके तहत 18 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य है। यही कारण है कि आज बेल्जियम की लिटरेसी रेट लगभग 100% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा साक्षर देशों की सूची में शामिल है। दोस्तों बेल्जियम शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई मूल भाषा नहीं है, बल्कि डच, फ्रेंच और जर्मन यहाँ की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो यहाँ की लगभग 97% लोगों द्वारा बोली और लिखी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, अरेबिक और तुर्की भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बेल्जियम में एक अजीब तरह की कहावत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का मानना है कि बेल्जियम में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने पेट में एक ईंट लेकर पैदा होता है। अरे अरे घबराइए नहीं, बल्कि असल में यहाँ के लोगों का मानना है कि बेल्जियम में पैदा होने वाले हर इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक मकान जरूर बनवाना चाहिए। इसी सोच का नतीजा है कि जहां आज दुनिया के दिग्गज देशों की सूची में शामिल ब्रिटेन में 40%, फ्रांस में 60% और अमेरिका में 65% लोगों के पास अपने मकान हैं, वहीं इनके सामने बेल्जियम जैसे छोटे से देश में लगभग 84% लोगों के पास अपने खुद के मकान हैं, जो इस सूची में अव्वल है। दोस्तों आप लोगों ने ट्राम का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपको बता दूं कि ट्राम 2 या 3 डिब्बों वाली एक छोटी सी रेलगाड़ी होती है, जो सड़कों के बीच बनी पटरियों पर चलती है। जहां दुनिया के ज्यादातर देशों में परिवहन की इस पुरानी तकनीक को लगभग बंद कर दिया गया है, वहीं बेल्जियम की ट्राम सेवा वर्तमान में दुनिया की सबसे लंबी और पूरी तरह से एक्टिव ट्राम सेवा है। 1871 में शुरू होने वाली बेल्जियम की यह ट्राम सर्विस लगभग 65 किलोमीटर में फैली है, जिसे हर दिन लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि भारत में ब्रिटिश काल में कोलकाता, मुंबई, नासिक, चेन्नई, कानपुर, केरला, दिल्ली, पटना और भावनगर में भी ट्राम सेवा शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान में केवल कोलकाता में ही ट्राम सर्विस चल रही है। सन 1881 में शुरू हुई और लगभग 24 किलोमीटर में फैली कोलकाता की ट्राम सर्विस को हर दिन लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ की मुद्रा यूरो है, जो वर्तमान में भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 89 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी 1 यूरो बराबर 89.25 रुपए। दोस्तों यूरो को यूरोपीय यूनियन द्वारा 1 जनवरी 1999 को लॉन्च किया गया। वर्तमान में यूरोप के कुल 44 देशों में से 24 देश यूरो का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बेल्जियम आकार में दुनिया के छोटे देशों में शामिल जरूर है, लेकिन सुविधा और विकास में ये बड़े बड़े देशों से भी आगे है। यही कारण है कि बेल्जियम की सड़कें दुनिया की सबसे साफ सुथरी और रोशनी से जगमगाती सड़कें हैं। यहाँ की लगभग 155,000 किलोमीटर की सड़कों का 96% हिस्सा पूरी तरह से स्ट्रीट लाइटों से जगमगाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ज्यादातर लोग रात को सड़कों पर चलते समय अपनी गाड़ियों की हेडलाइट नहीं जलाते, क्योंकि सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की वजह से इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि उन्हें अपनी गाड़ी की हेडलाइट
हेडलाइट जलाने की जरूरत ही नहीं होती। वैसे क्या अपने इंडिया में रात को बिना हेडलाइट जलाए गाड़ी चलाना सेफ है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हर देश अपने सरकारी कामकाजों की सुविधा और अपनी उपस्थिति को छोटे से छोटे आकार में सभी तक पहुंचाने के लिए खास तरीके राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल करता है। जैसे भारत ने अशोक चिन्ह, अमेरिका ने ईगल, ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू और न्यूजीलैंड ने कीवी को अपना नेशनल साइन बनाया है, वैसे बेल्जियम ने टॉयलेट करते हुए बच्चे को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। बेल्जियम का यह राष्ट्रीय प्रतीक आपको वहाँ के सभी सरकारी कागजातों, इमारतों और धरोहरों पर देखने को मिल जाएगा। वैसे क्या सभी पशु पक्षी इमारतें धरोहरें खत्म हो गई थी जो बेल्जियम को इतना अजीब नेशनल साइन बनाना पड़ा? वैसे आपकी क्या राय है कि बेल्जियम को अपने शुशु बॉय को अब चड्डी पहना देनी चाहिए या फिर ऐसे ही बेरोक टोक धार मारते देने रहना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ दैहिक संबंध बनाना हर विवाहित जोड़े की एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि वैवाहिक रिश्ता तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक पति और पत्नी मन के साथ साथ तन से भी एक दूसरे के ना हो जाएं। लेकिन लगता है बेल्जियम के शादीशुदा लोगों ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मैरिज केयर ऑर्गेनाइजेशन के एक हालिया सर्वे के मुताबिक बेल्जियम की महिलाएं अपने पार्टनर के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा बार संबंध बनाती हैं। दोस्तों जहाँ ब्रिटिश महिलाएं अपने पार्टनर के साथ हर साल 104 बार, ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं 156 बार और कैनेडियन महिलाएं 268 बार दैहिक संबंध बनाती हैं, वहीं बेल्जियम की महिलाएं रिकॉर्ड लेवल पर हर साल लगभग 320 बार अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाती हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है।